नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें दोस्तों, दर्शकों की डिमांड पर हम आपको एग्जिट पोल बता रहे हैं। यह जौनपुर जनपद के दोनों लोकसभा क्षेत्र के बारे में, पहले पूर्व में आपको जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के एग्जिट पोल के बारे में बता चुके हैं। अब हम आपको मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र के एग्जिट पोल बताएंगे। यह जनता का रुझान होगा, यह इसको पक्का न समझिए कि यही परिणाम होगा। यह एक रुझान है जो जनता से मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और हमारा खुद का विश्लेषण है। ये इंडिया बोलेगी टीम का जो है ये खुद का विश्लेषण है। आपको बता दें यहाँ पे बीजेपी से बीपी सरोज उम्मीदवार हैं, तो गठबंधन से बसपा के उम्मीदवार के तौर पर टी राम हैं, जो अजगरा से पूर्व में जो है विधायक रह चुके हैं और बसपा द्वारा उन पर दाव खेला गया है। आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही, शुरू से ही यहाँ पे बीजेपी आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। तो कांटे की लड़ाई महागठबंधन को भी बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवार जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वह आश्वस्त होते दिखाई पड़ रहे हैं। यादव प्लस SC ST जो उनका अनुसूचित जनजाति का वोट होता है वह इनके साथ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो संयुक्त कैंडिडेट अगर इनको वोट करता है तो गठबंधन भी मजबूत हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पासी समाज का वोट और निषाद भी वोट बैंक है। तो ऐसे में यहाँ जो है पिछली बार जो है बीपी सरोज बसपा से उम्मीदवार थे, यही जो बीजेपी कैंडिडेट हैं पिछली बार BSP से उम्मीदवार थे और जो है तूफानी सरोज सपा से उम्मीदवार थे। तो ऐसे में वोट प्रतिशत जो है पार्टी समाज का बढ़ गया था। इस बार इकलौते प्रत्याशी होने का इसका इनको वोट मिलेगा और बीजेपी के लिए अनुसूचित जात का वोट बैंक जो है काफ़ी जो है सुरक्षित अनुसूचित वोट बैंक का काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। और स्थिति ये होता है कि सुरक्षित सीट बीजेपी की के लिए ही मतलब मुफीद साबित होती है। ऐसे में हम बोल सकते हैं कि जो है बीजेपी मछलीशहर लोकसभा में ठीक ठाक प्रदर्शन करेगी और वह जीत की संभावनाएं उनके लिए बढ़ सकती हैं। आपको बता दें पिछली बार यहाँ पे प्रत्याशी जो थे निवर्तमान सांसद रामचैतन्य निषाद 1,81,000 वोटों से करीब जीते थे। ऐसे में यहाँ पे ये भी बीजेपी के लिए ये अच्छा है कि मछलीशहर लोकसभा में जो 5 विधानसभा आती हैं उसमें उनके 4 विधायक हैं। मछलीशहर विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो वहाँ सपा के विधायक जगदीश सोनकर हैं, तो वहीं जो है मड़ियाओं से डॉक्टर लीना तिवारी हैं, तो आपके जफराबाद से जो है डॉक्टर हरिंदर सिंह हैं, पिंडरा से डॉक्टर अवधेश सिंह हैं, किराकत से डॉक्टर दिनेश चौधरी हैं। तो यह है आपका जो है कि 4 सीटों पर बीजेपी अपने विधायकों के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगी। तो और आपको बता दें जहां पर इनकी वर्तमान पकड़ गढ़ बनाई जाती है, अगर गठबंधन प्रत्याशी अजगरा में वो पूर्व विधायक अगर बनास की इस विधानसभा से अगर ये बढ़त पत्र बनाते हुए आते हैं तो इधर इनके लिए जो है अच्छा रहेगा कि वो लड़ाई लड़ेंगे। अगर वहाँ से कमज़ोर होंगे तो इनके लिए अन्य विधानसभाओं में वोट निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वहीं बीजेपी शुरू से ही रुझान में बढ़त बनाई हुई थी। प्रत्याशी बीपी सरोज खुद के वोट बैंक के साथ पासी समाज और निषाद वोट बैंक के लिए काफ़ी शुरू से आश्वस्त थे। ऐसे में यहाँ पे एक समस्या यह हो सकती है कि इस बार मतदान फीसद काफ़ी कम हुआ है, 53.54% मतदान पड़े हैं। ऐसे में अगर यहाँ लड़ाई होगी तो कांटे की होगी। यहाँ बीजेपी रुझानों में शुरू से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है और गठबंधन भी लड़ाई लड़ेगा तो इसमें कोई वो नहीं माना जाए। लेकिन जो स्थिति है यहाँ बीजेपी शुरू से रुझानों में बढ़त बनाए हुई है। अगर आपको हमारा समीक्षा अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन की घंटी दबाएं और कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।